हैदराबाद में अहम खबर है जिथे सिंध सर्किट बेंच में बिलाल काका कतल केस की बुधनी थी है। अदालत में सलाम काका अयाज काका बिया वकील समेत पेश थिया। जवाबदार जो वकील भी अदालत में पेश थो है। अदालत बिलाल काका कतल केस में गिरफ्तार जवाबदार की जमानत वाली दरख्वास्त बुधनी एक महीने तई मुलतवी कर छी। ब्रेकिंग न्यूज अवसर शेयर क्यों पा हैदराबाद में जिते सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में बिलाल काका कतल केस की बुधनी थी है। अदालत में सलाम काका अयाज काका बिया वकील समेत पेश थिया। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में बिलाल काका कतल केस की बुधनी थी है। अदालत में सलाम काका अयाज काका बिया वकील समेत पेश थिया। जवाबदार जो वकील भी अदालत में पेश थो है। अदालत बिलाल काका कतल केस में गिरफ्तार जवाबदार की जमानत वाली दरख्वास्त बुधनी एक महीने तई मुलतवी कर छी है। मालूम कंदी लाइन से मौजूद है हैदराबाद में आवाज न्यूज रिपोर्टर नसीर चंदा जी। नसीर तफसील है आगाह कजो। जी बिल्कुल, हैदराबाद में बिलाल काका में गिरफ्तार जवाबदार नोमन गुल की जमानत वाली दरख्वास्त बुधनी महीने तक मुलतवी कई हुई है। अदालत में बुधनी दौरान सलाम काका अयाज काका बिहे वकील मीर नमूने समेत अदालत में पेश किया। जैसे जवाबदार जो वकील अदालत में पेश किया मौके से जो फरियाद जो वकील मीर नमूने उन्होंने बुधा तो चौथों भेरों बुधनी दौरान जवाबदार गुलमोहन जो वकील केस ना हलो रबुधड़ी से को नो अर्जो जाना वे तो जैसे तारीख थी वे थी जवाबदार की ट्रायल कोर्ट पूरी जमानत रद्द कई हुई। हाई कोर्ट का रुजू कर कुछ महीना अगर काशमगढ़ के बाईपास के होटल मालिक वेटर बिलाल काका के बेदर्दी से कतल किया हो। विजयनगर थाने की पुलिस संदस बा सलाम काका की फरियाद दह जवाबदार के खिलाफ केस दाखिल किया हो। पुलिस की तरफ टे जवाबदार दिखे गिरफ्तार थे सहूलतकार हो वो भी जमानत कराया गया है। ठीक है, मेहरबानी नसीर चन्ना अपडेट करने के लिए।